धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला बताइए, मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उठाइए उससे बताइए किस पर ही मेरा भरोसा है, भरोसा मेरा सेवा पूरी करके नाम प्रभु है साधु वरदान, सेवा पूरी कर कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, मुख खोल कर धन्यवाद बोलिए, मुख खोल कर धन्यवाद बोलिए कि धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को बदला, मेरे मन को बदला, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तू महिमा और आदर के योग्य है, धन्यवाद तू ही ज्योति है, धन्यवाद तूने परमेश्वर इस योग्य बनाया हमको कि आज हम तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, वो तेरा एक एक एहसान, वो तेरा एक एक परमेश्वर आशीष, वो तेरी एक एक कृपा परमेश्वर, हम नहीं भूले और ना ही हम भूले परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, महान है परमेश्वर, तो महान है, हालेलुया, तू बहुत अच्छा पिता है, तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, तू मेरी हर प्रार्थना को सुनता है, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, तू ही भरोसा है,
तू ही सहारा है। यस प्रभु जी, यस प्रभु। और हमारा कौन है? यस प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आज का दिन पवित्र है परमेश्वर। हम जब भी तेरा नाम अपने अंदर देते हैं, हमारे अंदर एक ज्योति जलती है, हमारे अंदर एक प्रकाश आता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति देने वाला यीशु हमारे साथ है। कितने विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आप यीशु के सामने आते हैं, कभी आपने अपने आप को देखा है कि आप किस तरीके से यीशु के सामने आ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं एक आदमी से मिलवाऊंगा आपको। यीशु ने 3.5 साल तक इस धरती पर सेवा की, लेकिन लोगों ने उसको तरह तरह से देखा। किसी ने सिर्फ चंगाई पाने के लिए आया, कोई रोटी पाने के लिए आया, किसी ने उसे गुरु कहा, किसी ने उसे नबी कहा। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने उसे परमेश्वर का पुत्र कहा और किसी ने उसे परमेश्वर कहा। हम किस यीशु को जानते हैं? हम किस यीशु को से मांगते हैं? हम जब यीशु से मांगते हैं तो उसे क्या समझते हैं? वो कौन है? हम जब यीशु के मुख से निकली हुई वाणी को सुनते हैं तो हम क्या समझते हैं? किसने कहा है? यीशु ने। उसके मुख से निकला है। ब्रह्मांड का रचयिता यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसकी वाणी सुन रहा हूं? बाइबल में किसकी वाणी है? यीशु की। वो कौन है? उसका एक एक वचन सत्य है। वो जो कहता है वो होता है। आमीन। मैं कैसे सुनता हूं? मेरी बहन, आपका आशीष इस पर डिपेंड करता है कि आप यीशु की वाणी को कैसे सुनते हैं, आप यीशु को कैसे देखते हैं। क्या यीशु कुछ दूसरा है? जो दूसरे काम करते हैं वो यीशु ही कर सकता है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि कोई दूसरा आदमी चंगा करता है यीशु भी कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या समझते हैं? यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, उसने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, उसने बताया कि जीवन क्या है, उसने बताया कि ज्योति क्या है, उसने हमें दिखाया कि हम कितने अंधकार में हैं। जैसे ही यीशु को हम अपने अंदर पाते हैं, एक उजाला हमारे अंदर होता है और वो उजाला हमारे हर अंधकार को दूर कर देता है। बहन, मैं सच कह रहा हूं, विश्वास के संग, भरोसे के संग, जब भी आप अपनी मुश्किलों में, परीक्षाओं में, सताव में यीशु का नाम लेंगे ना, एक ज्योति आपके अंदर आएगी, आपको एक समस्या का समाधान मिल जाएगा, आपके अंदर एक शांति आएगी कि यस, मेरा यीशु मेरा साथ है, मेरा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मेरा रचयिता मेरे साथ है। कुछ भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप किसकी वाणी सुन रहे हैं? यीशु की। इसलिए बहुत जरूरी है
मती 5 निकालिए, मती 8 निकालिए, 5 से 11 जल्दी से पढ़िए। मैथ्यू 8:5-10 यहां पर एक सूबेदार है, सूबेदार। बहुतों ने यीशु मसीह को बहुत तरीके से यूज किया, बहुत रूप में समझा, लेकिन आइए देखिए सूबेदार कैसे लेता यीशु मसीह को। आमीन। मैं जब ये पढ़ रहा था मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए कि वाह वाह, क्या विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड, किस तरीके से देखता है। जिस दिन आपने यीशु को अपना सर्वस्व के रूप में देखना शुरू कर दिया ना मेरे भाई, कोई भी चीज आपको चर्च आने से रोक नहीं सकती है। आपने यीशु को पाया है, जिस दिन आपने एहसास कर लिया, जिस दिन समझ लिया कि मैंने यीशु को पाया और यीशु कौन है, उस दिन मेरे भाई आप अपना आप गर्व करेंगे कि मैंने यीशु को और यीशु ने मुझे चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सूबेदार क्या कह रहा है जल्दी से पढ़ेंगे बहन हमारी। जब वहां कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उससे पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। सूबेदार ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो उसके पास आया और उसने कहा कि मेरा जो सेवक है वो लकवे का मार रही है और बहुत ही तड़प रहा है, वो बहुत दर्द में है प्रभु। आगे उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। अपनी रीति के अनुसार, आप जानते हैं, आपने देखी होगी, बाइबल पढ़ी होगी, हर बार जब भी किसी ने पुकारा उसने कहा मैं आ रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि तुमने प्रार्थना की है, तुम कैसे मुझ पर विश्वास करते हो, नहीं, आप बुलाइए वो आपके पास आएगा। आमीन। कभी भी किसी भी मुसीबत में, किसी भी परीक्षा में हो आप, मेरी बहन मेरे भाई, घुटने टेकिए और उससे बोलिए यीशु मसीह आ, यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मुझे निकाल यहां से। मैं सच कह रहा हूं, आपको महसूस होगा कि एक हाथ आपके पास आया है, एक आशीष आपको मिला है, एक सहारा आपके पास है जो आपको लेकर जा रहा है। मैं सच कह रहा हूं, दिल से उसे बुलाइए, कभी भी किसी भी वक्त विश्वास करिए, वो यूं ही आपके लिए नहीं मरा, उसने यूं ही बलिदान नहीं किया है, वो वाकई आपसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रचयिता है, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए धरती पर चला वो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो सूबेदार है, जब इसको पता लगा यीशु मसीह के बारे में, तो ये यीशु मसीह के पास गया और कहा कि यीशु मेरा दास लकवे का मरीज बहुत ही दुखी है, दर्द से पीड़ित है, तू उसके मेरे पास, तू उसको चंगा कर। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। आगे सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। आमीन। यस यस। आगे आगे। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ कह दे, अपने मुख से तो कह दे। इस सूबेदार ने देखा कि वो यीशु नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इस सूबेदार ने देखा कि नहीं, जो यीशु बोल रहा है, जो बोलता है वो होता है। जिस दिन हम इस तरीके से प्रभु को देखना शुरू करेंगे, जिस दिन हम यीशु मसीह को इस तरीके से अपने जीवन में पाएंगे, जिस दिन हम ये समझेंगे कि जो यीशु मसीह ने कहा है वो मेरे जीवन में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तू सिर्फ मुंह से कह दे,
क्योंकि तूने मुंह से कहा और सृष्टि की रचना हो गई। हालेलुया। तूने वचन बोले और आकाश बन गया, धरती बन गई, पक्षी बन गए, जानवर बन गए, इंसान बन गए, पेड़ बन गए। हालेलुया। तेरे सिर्फ बोलने से, हे यीशु तू महान है, तू रचयिता है, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू महान है। तू सिर्फ सिंहासन पर खड़ा होकर, तू सिर्फ सिंहासन पर बैठकर बोल दे कि चंगा हो जा। हालेलुया। तू सिर्फ सिंहासन पर बैठकर बोल दे कि मैं परीक्षाओं से निकल जाऊं, मुझे शांति मिले, मुझे आजादी मिले, मुझे मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं, जिस विश्वास के संग आप उसके वचनों को अपने अंदर लेंगे, उसी तरीके से वो वचन काम करेंगे। Amen, hallelujah. मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु ने कहा है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। सत्य है, कोई और दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। शैतान आपको बहकाएगा। कई लोग हैं जो मरियम को मानते हैं, मरियम बहुत अच्छी औरत है, पवित्र है, बट वो प्रभु नहीं है, वो एक माध्यम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें देखना है और समझना है, नहीं तो हम राह चलते चलते भटक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। काना देश में जब यीशु मसीह के चेलों को बुलाया गया और जब शादी में यीशु मसीह गए, मरियम ने क्या कहा? 2:5 पढ़िए, यूहन्ना 2:5, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद 17:5, मत्ती 17:5 क्या कहा मरियम ने? देखिए यहां मरियम आखिरी बार बोली, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आमेन। जो तुझसे ये कहे वो कर। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। मरियम जानती थी कि मैंने कोख से किसको जन्म दिया है। वो जानती थी कि परमेश्वर परम प्रधान पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर आया और एक बीज बच्चा बना और मैंने उसको जन्म दिया। वो जानती थी। हालेलुया। वो जानती थी कि कौन है ये, वो जानती थी, इसलिए उसने अपने चेलों से कह दिया कि जो ये कहे वो करो। हालेलुया। उसे संसार को बताया मरियम ने कि जो ये कहे वो करो, जो मैं कहूं मत करो, जो ये कहे वो करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मां के रूप में उसने अपना दायित्व निभाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने कहीं नहीं कहा कि मैं हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं लेकर आई हूं, नहीं, उसने कहा जो ये कहे वो करो। हालेलुया। मत्ती 17:5 वहां बोल ही रहा था, रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, वहां मूसा था, एलिया था, हालेलुया, और यीशु मसीह था, उसका रूपांतरण हो चुका था और तीनों चेले उनको देख रहे थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब। प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस ने कहा कि यीशु कितना अच्छा हुआ कि हम यहां पर आए, अरे हमने मूसा को देखा, एलिया को देखा, तुझे देखा। मूसा, पतरस कहता है कि प्रभु क्या ही अच्छा होगा कि हम यहां 3 तंबू बनाए, एक मूसा का, एक एलिया का और तेरा। उसी समय बादल आया, परमेश्वर बादलों में था और एक आवाज आई। क्या आवाज आई? वहां बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, एक पिछड़े हुए बादल ने, चमके हुए बादल ने उन पर छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, और बादल में से शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो।
दोबारा पढ़ो बेटा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जिससे मैं प्रसन्न हूँ इसकी सुनो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मूसा की मत सुनो, एलिया की मत सुनो, मरियम की मत सुनो, इसकी सुनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इसकी सुनो, क्योंकि वो ब्रह्मांड का रचयिता है, क्योंकि वो जो कहता है वो होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए हमें उसकी कैसे सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड, मरियम ने कहा इसकी सुनो, परमेश्वर ने कहा इसकी सुनो, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु क्या कहता है पता है आपको? यीशु क्या कहता है? यीशु आपसे क्या कहता है? यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, वो ब्रह्मांड का रचयिता, वो यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जिसके पास स्वर्ग और धरती का अधिकार था, वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हेलो, वो क्या चाहता है? वो क्या कहता है यीशु? कि तेरा फल बना रहे, तेरा फल बना रहे। आपका फल क्या है पता है? आपका फल क्या है? आपका फल क्या है? यीशु की उपस्थिति आपके अंदर रहे हर पल हर क्षण, ये आपका फल है, ये आपका फल है। मरियम ने कहा इसकी सुनो, परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, यीशु कहता है मैं कहता हूं कि तेरा फल बना रहे। और उसके बाद तू मेरे नाम से जो मांगेगा तुझे मिलेगा। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सूबेदार ने क्या कहा? यीशु तू बोल दे, तू बोल दे, तू बोल दे कि मेरा शिष्य चंगा हो जाए, मेरा चेला चंगा हो जाए, तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू बोल जाए, क्योंकि तेरे बोलने में, तेरी आवाज में वो अधिकार है, तेरे शब्दों में वो अधिकार है जिसने सृष्टि को रचा है, तेरे पास वो अधिकार है जो दुष्टात्माएं थरथराती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो अधिकार है तेरे पास। हेलो, यीशु के पास वो अधिकार है। और जब हम यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के पूरी तरीके से हो जाते हैं, जब हम यीशु को मसीह को सर्वस्व मानते हैं, जब हम यीशु मसीह पर सर्वस्व विश्वास करते हैं, यीशु का अधिकार हम में आ जाता है। हेलो, हम भटकते हैं। मैं जानता हूं हमारे चर्च में कई ऐसे भाई बहन हैं जो अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं, इधर जाना उधर जाना, इस मूर्ति के पास जाना उसके पास जाना, अभी भी जा रहे हैं, मैं जानता हूं। इसीलिए आप दुखी हैं, इसीलिए आप समझ नहीं रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, वो है कौन और वो क्या चाहता है? आप जो यहां बैठे हुए हैं ना, आप ये मत समझिए कि हम अपने आप आए हैं, आप ये मत समझिए कि हम आए हैं, हम एहसान कर रहे हैं चर्च में आकर, हम एहसान कर रहे हैं। मेरे भाई, यीशु ने आपको चुना है, यीशु ने आपके मन को बदला है, यीशु ने आपको सामर्थ दिया है, यीशु ने आपकी बुद्धि को खोला है, यीशु ने आपको माफ किया है, तब उसकी आप भलाई देख पा रहे हैं। आप सोच रहे कि हम आ रहे हैं, हम यीशु मसीह को दे रहे हैं? नहीं, हम नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ
एक ही काम कर सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन, और वो है धन्यवाद का। आप जब सुबह उठते हैं धन्यवाद दीजिए, रात को सोते समय धन्यवाद दीजिए, और कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, धन्यवाद दीजिए कि हम यीशु को जानते हैं और यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। धन्यवाद दीजिए, आपने यीशु को पाया है, वो सर्वशक्तिमान रचयिता जो ब्रह्मांड का है, जो सर्वशक्तिमान है, वो आपको जानता है, उसने आपका नाम अपनी हथेली पर लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने इब्राहिम को चुना था, चार बार इब्राहिम के साथ उसने वाचा बांधी, लेकिन चारों वाचाओं को इब्राहिम ने कोई अहमियत नहीं दी। उत्पत्ति 16 में जब इब्राहिम ने परमेश्वर की वाचा पर मन नहीं लगाया और अपनी पत्नी की बात मानकर, वो सारा की बात मानकर जब वो उसके पास हाजिरा के पास गया, हालेलुया, हाजिरा के पास गया और उससे एक बेटा पैदा हुआ, इस्माइल। प्रेज द लॉर्ड। इस्माइल पैदा हुआ। उत्पत्ति 16 में पढ़िए आप। उस समय इब्राहिम 87 साल का था, 86 साल का, 86 का था जब इस्माइल पैदा हुआ। और अगर आप अध्याय 17 पढ़ेंगे बिगनिंग का, तो आपको पता चलेगा कि जब वो 99 साल का था तब परमेश्वर ने उससे बात की। उसने 13 साल तक बात नहीं की इब्राहिम से। पढ़िए बेटा 17वां, उसका पहला। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान, यहां बता रहा है यीशु कि मैं कौन हूं। हम कभी कभी बहुत हल्के में ले लेते हैं परमेश्वर को, हम जो बोलते हैं वो करते ही नहीं। हम बोलते हैं परमेश्वर के सामने, हम झूठे वादे करते हैं, हम झूठी आस किसी को देते हैं, अरे आप नहीं जानते आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। आप, बाइबल कहती है निर्गमन 20:4-5-6 पढ़िए, आपको पता चलेगा कि आप कभी भी परमेश्वर का नाम झूठा मत लेना। झूठ बोलते हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने उर देश से लेकर आया, उसे बताया कि मैं कौन हूं, मिस्र देश में जाने के लिए मना किया उसने, फिर भी उसने अपनी पत्नी की बात मानकर हाजिरा के पे चला जाए। यही होता है, हम अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा अपने रिश्तों को मान देते हैं। परमेश्वर से ज्यादा हम रिश्तों को मान देते हैं। इब्राहिम ने अपने रिश्तों को मान दिया कि मेरी पत्नी कहीं नाराज ना हो जाए, मैं इसको औलाद नहीं दे पा रहा हूं। और क्या कहा परमेश्वर ने, 13 साल तक परमेश्वर ने बात नहीं की। कितने साल तक? 13 साल तक। 86 में, 86 साल में इस्माइल हुआ, और 17वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, 99 साल का जब इब्राहिम हुआ तब उसने बात की। और क्या कहा उसको, कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। तुमने क्या समझा हुआ मुझे, मैंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का बलिदान कर दिया, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें अपने आप बुलाता हूं, तुम्हें क्षमा करता हूं, मैंने तुम्हें अपना पुत्र कहा है, तुम क्या समझते हो।
मेरे भाई हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना है, आपकी जीभ पर मृत्यु और जीवन दोनों है, हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना है, अपने मुंह से निकालना है। अब क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको यीशु मिल गया है, आपको यीशु मिल गया है और उसने आपको पवित्र किया है, उसकी उपस्थिति में चलिए, उसकी उपस्थिति में चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में कैसे चलिए? क्या कहता है वो? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ। कैसे फल लाएंगे आप? यूहन्ना 15 का एक निकालिए, एक और चौथा उसका। यूहन्ना 15, जॉन 15 उसका पहला और चौथा और फिर सातवां। क्या कहता है वो? सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, और मेरा पिता किसान, और मेरा पिता किसान है। याद रख लो कि मैं कौन हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम कहती है इसकी सुनो, परमेश्वर कहता है इसकी सुनो, यीशु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं। चौथा, तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में, और मैं तुम में। हालेलुया। क्या कहता है वो? कि सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम मुझ में बने रहो, मैंने तुम्हें चुना है। उसके चुनने को, उसके चुनाव को हल्का मत लीजिए। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम सबको अहमियत देते हैं लेकिन यीशु को अहमियत नहीं देते हैं। हम अपने हर रिश्ते को अहमियत देते हैं। यीशु है तो सब रिश्ते हैं, यीशु नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। धरती का आपका हर रिश्ता खत्म हो जाएगा लेकिन यीशु का रिश्ता खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी उपस्थिति में चल। इब्राहिम, मेरी उपस्थिति में चल। इसलिए वो कहता है कि मैं दाखरस हूं, जो मुझ में बना रहेगा। आगे पढ़िए बेटा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे। उदाहरण दे रहा है, जिस तरीके से एक दाखलता में डाली ना बनी रहे तो वो फल नहीं ला पाएगी। ला पाएगी? नहीं। डाली को तोड़ दीजिए सो फल आएंगे? नहीं। डाली क्या काम करती है? डाली क्या फल उत्पन्न करती है? नहीं। वो जो पेड़ है, वो जो जड़ है, उस जड़ से आशीष आता है। लेकिन आपको अगर फल चाहिए तो आपको उस डाली की तरह उसमें जुड़ना है, जुड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। डाली अगर दाखलता में ना जुड़ी रहे तो अपने आप से नहीं फलती, अपने आप से नहीं फल सकते। आप कहें कि साहब मुझे बहुत बुद्धि है सर, अब तो पैसा भी आ गया मेरे पास, अब तो सब कुछ आ गया, अब मैं कर लूंगा। आप नहीं कर सकते अपने आप, नहीं। लिखा हुआ है कि तू अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, अभी भी मैं ही कर रहा हूं। तू समझ रहा है मेरी बुद्धि है, तू समझ रहा है मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तू समझ रहा है देखा मैंने जाल बिछाया अपने आप। नहीं मेरे भाई, ये कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। नहीं, आप नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रार्थना करो। आप नहीं समझते,
दो दोस्त थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, या एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। दोनों एक जहाज में जा रहे थे और वो जहाज एक द्वीप पर आकर अटक गया और टूट गया। टापू होते ना टापू, उसमें एक जहाज टूट गया, कोई नहीं वहां पर, कोई नहीं, वो टापू अकेला। हम ये लोग डर रहे हैं, और दोनों विश्वासी है, दोनों यीशु मसीह से प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं। कहा जाए, हम क्या करें? तो सुरेश ने कहा, मैं इस तरफ इस कोने में बैठ के प्रार्थना करता हूं, तू उस कोने में बैठ के प्रार्थना कर। महेश से कहा, सुरेश और महेश, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुरेश इधर प्रार्थना कर रहा है और महेश उधर प्रार्थना कर रहा है। सुरेश प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु दया कर, इतनी वीरान है यहां पर और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, भूख लग रही है, कृपा कर खाने को कुछ मिल जाए, फ्रूट्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा हो जाए, फल वगैरह। इतने में देखा एक पेड़ उगाया और उसमें फूल थे, फल थे, केले थे, सेब थे और फल वगैरह। उसने कहा, वाह क्या परमेश्वर तो कितना महान है वाकई। उसने कहा, फल आ गए हैं लेकिन खड़े खड़े कैसे खाऊं, कोई बैठने का स्थान भी हो जाए यहां पर, छर छुपाने की जगह भी हो जाए, परमेश्वर दया कर। एक कुटिया बन गई, कुर्सी आ गई और बैठ गया वो। कितना महान है परमेश्वर, हालेलुया। बीवी की बहुत याद आ रही है, अकेले ही बैठा बैठा यहां खाऊं अच्छा नहीं लगता, अगर बीवी भी आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बीवी प्रकट हो गई, उसने कहा, वाह परमेश्वर महान है तू, बीवी भी आ गई, रोटी भी मिल गई, कुटिया भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, तू इतनी मेरी सुनता है, एक जहाज भेज दे ताकि हम अपने घर पहुंच जाए। सामने से देखा जहाज आ रहा है, उस धन्यवाद का, परमेश्वर तुम्हान है। बीवी को लिया, वहां जो फल वगैरह पड़े थे उठाए, और वो दोस्त जो महेश था वो प्रार्थना कर रहा है, उसकी तरफ देखा नहीं उसने। जब जहाज आया तो वो भी आया कि चल जहाज आ गया, हम लोग जाएंगे। जो सुरेश है ये कहता, देखो परमेश्वर प्रार्थना तो मैंने की, जहाज मंगवाया, इसको हम क्यों लेके जाएं? परमेश्वर ने कहा, जितना कुछ तुझे मिला है ना, फल मिला है, तेरी बीवी मिली है, तेरी कुटिया मिली है, तुझे जहाज मिला है, तेरी प्रार्थना से नहीं मिला है, इसकी प्रार्थना से मिला है। इसने प्रार्थना की है तो मैंने तुझे दिया है। आमीन। हम भूल जाते हैं, कोई समझता है कि साहब मैं तो साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं तो साहब बहुत अच्छी सर्विस कर रहा हूं, मुझे तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। मेरे भाई आप भूल जाते हैं, आपका आधार आपके घर में है, आपका प्रार्थना चल रही है आपके लिए, उसको समझिए। आपके लिए प्रार्थना चल रही है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं कर रहे कुछ भी। एक गलत चीज हो जाएगी ना, ऊपर से नीचे आ जाएंगे आप। एक सेकंड, मैंने बहुतों को देखा, मैंने बहुतों को बनते हुए देखा है, बहुतों को बिगड़ते हुए देखा है। कभी भी हमें घमंड नहीं करना है परमेश्वर के सामने, नहीं। इसलिए वो कहता है, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। धन है जो अपने दिल से नम्र है, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी वही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, जो मुझ में बना रहेगा, जो मुझ में बना रहेगा वो फलवंत होगा। पढ़िए बेटा चौथा दोबारा, तुम डाली हो, जल्दी पढ़िए।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अपने आप से नहीं फल सकती, ये आप समझ लीजिए। हम अपने आप, आज मैं जो आपके सामने वचन बोल रहा हूं ना, ये अंदर पवित्र आत्मा है जो मेरे द्वारा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको जो समझ में आ रहा है ना, ये आप परमेश्वर की आत्मा है जो आपकी बुद्धि खोल रही है इस समय। आप जो तालियां बजा रहे हैं ना समझकर, ये प्रभु की कृपा है जो आपको समझ में आ रहा है। अगर वो ना समझाए आप समझ भी नहीं सकते। हम अकेले कुछ नहीं हैं, ये याद रखो। वो है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह है कि हम उसको याद नहीं करते, हम उसके वचन पे नहीं चलते, तब भी वो दया कर देता है। याद रखो, धन्यवाद दो, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है। रैप्चर के बाद 7 साल का न्याय का दिन होगा, बहुत बुरा वक्त आएगा, आप सोच नहीं सकते। अगर जो लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, उनका 7 साल जो है इस धरती पर बिताना असंभव होगा। न्याय होगा तब, कलीसिया उठा ली जाएगी और शैतान नीचे आ जाएगा। आज आप चलते हैं ना, तो कुत्ता या बिल्ली आपके पास होती है ना, तो भाग जाती है। होता है ना आजकल, कुत्ता बिल्ली आपसे डरते हैं। लेकिन जब रैप्चर होने के बाद कुत्ते बिल्ली से आप डरेंगे, अगर आप रह गए तो। वो नोचेंगे, ये प्रभु है, तब प्रभु की वैल्यू आपको पता लगेगी। यार मैं प्रभु में कितना समर्पित सुरक्षित था, तब आपको एहसास होगा कि मैंने यीशु मसीह की कीमत को नहीं समझा। तब पैसा काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, इतनी महंगाई हो जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। पैसा खाना है, खाएंगे क्या आप? पैसा खाएंगे क्या? नहीं। पैसा क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पैसा। कुछ भौतिक सामानों को लाने के लिए आपको जरूरत है, ठीक है, लेकिन उसका वादा परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन पे चलोगे तुम्हें रोटी मैं दूंगा, तुम्हें रोटी मैं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए 7वां वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। देखिए ये वचन कहां से शुरू हुआ, यदि से। बोलिए बेटा 7वां, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे। याद रखिए इस वचन को, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, जोर से तालियां बजाइए। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ जी, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ जी, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ऐसा प्रॉमिस कभी किसी ने दिया है? जो चाहो मांगो। आप सोच नहीं सकते आपको वो दे सकता है परमेश्वर। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सोच नहीं सकते, जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वचन से पहले क्या है, यदि, यदि तुम करोगे, यदि तुम उसके वचन के अंदर रहो। वो कब होगा? जब हम संसार को अपने अंदर से निकालेंगे। आपको लगता है कि संसार आपको पाल रहा है, आपको लगता है कि संसार की चीजें आपको पाल रही हैं।
Thank you.